नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मोहाली में लड़कियों के वायरल वीडियो कांड के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल के दो वार्डन को सस्पेंड कर दिया। इसमें से एक वार्डन वायरल हुए वीडियो में दिखाई दे रही थी जो आरोपी छात्रा को लताड़ लगा रही थी। इससे पहले कैंपस में कक्षाएं 6 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई थी। आरोप है कि छात्रा ने अपने साथ रहने वाली लड़कियों की नहाते समय 50 से 60 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके शिमला के रहने वाले बॉयफ्रेंड को भेज दिए। इसके बाद उस लड़के ने कथित तौर पर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं और वाकई इस पूरे मामले के बाद हर कोई ये सोच रहा है और हर कोई अभिभावक डर रहा है कि आखिर हॉस्टल में क्या अपनी बेटियों को भेजना चाहिए। सवाल जायज है, लेकिन हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को के खिलाफ आवाज उठाकर और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन की जरूरत है। बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस ने एक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस के एक निलंबित सिपाही सहित 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया जो महिला का सहारा लेकर व्यापारी को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि लोगों ने एक महिला के साथ मिलकर ब्रश कारोबारी और उनके नौकर को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, अपहरण कर लिया था और चकमा देकर वहां से भाग निकला। बाद में उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी मिले बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा के उनको बंधक बना के उनसे पैसा वसूली का कार्य करते थे, विज्ञापन का कार्य करते थे। इसी तरह से एक मामला आया जो कि स्टेट कोर्ट में आती है, स्टीव में एक मामला निजी और बाद में दर्ज कराया कि एक लड़की से फ़ोन कराते कुछ लोगों ने मुझे रामनगर होटल में बुलाया, वहाँ पर मुझे अपने कब्जे में लिया और मुझे भय दिखा के विज्ञापन करने के प्रयास से लेके आए और नजीबाबाद में ATM से 16,00,000 रुपया निकलवाया। तदुपरांत नौकर को बंधक बनाए रहे और कहे कि 10 लाख रुपये और लेके आओगे तो हम निकलेंगे स्टोर में। फरुखाबाद में पुलिस को लेडी डॉन को पकड़ना महंगा पड़ गया। महिला थाने में लेडी डॉन ने जमकर तांडव मचाया और महिला सिपाही के साथ मारपीट की। वहीं मामले को लेकर दारोगा सुरेश सिंह ने लेडी डॉन आरती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी है। मैनपुरी के फर्दपुर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा चोरी के मामलों में रिपोर्ट दर्ज थी, जिसको लेकर पुलिस को बदमाश की खोज थी। पुलिस को मुखबिर से बदमाश के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए पीछा किया। इस दौरान बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी जिससे बदमाश घायल हो गया। बिछवा पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा आज मुठभेड़ के दौरान में एक अपराधी घायल हुआ है, अरमान पुत्र शहादत अली, ये कासगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फतेहगढ़ आदि जनपदों से इसके ऊपर मुकदमे हैं। विगत 1 साल से ये वांछित चल रहा था, 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इसके पास से चेकिंग के दौरान इसके पास से एक तो अपाचे गाड़ी मिली और साथ ही काफी ज्वेलरी मिला है, जो जानकारी की जा रही है, बताया इसने कि इसको बेचने ले जा रहा था। इस संबंध जानकारी की जा रही है कि किस घटना की वो ज्वेलरी है। अभी इससे और पूछताछ की जा रही है, संभावित है कि इससे और घटनाएं भी वर्कआउट हो। आज ये शानदार कार्य बिछवा पुलिस द्वारा किया गया है और इसके अन्य तथ्यों की जानकारी की जा रही है। फतेहपुर जिले में अज्ञात बदमाशों ने देर रात अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर काटकर उसके अंदर गुल्लक में रखी नकदी सहित मशीन और शराब की चोरी कर ले गए। सुबह होने पर जब दुकान पर लोग पहुंचे तो घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
हरदोई के पुलिस लाइन स्थित सभागार में इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड द्वारा समर्थित परियोजना चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के साथ समाधान अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बाल यौन शोषण से रोकथाम और पॉक्सो अधिनियम पर जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि समाधान अभियान का उद्देश्य बाल यौन शोषण से रोकथाम और पॉक्सो अधिनियम पर संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करना है। ये बच्चों पर इस तरह के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कारगर है और पॉक्सो अधिनियम में वर्णित दंड के प्रावधानों के बारे में समझाने और जागरूक करने का भी कार्य करता है। ऋषिकेश घाट रोड पर दुपहिया वाहन चालकों ने अवैध पार्किंग बना ली है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को चलने तक की जगह नहीं मिल रही। मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाल रवि सैनी ने खुद घाट रोड का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नो पार्किंग में खड़े वाहनों को मुनादी कर हटाया है। कई वाहनों के हाथों हाथ चालान भी काटे गए। कोतवाल ने लोगों को चेतावनी दी कि सड़क पर अपने दुपहिया वाहन खड़े कर जाम की स्थिति पैदा ना करे, नहीं तो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ चालान ही नहीं बल्कि उनके वाहन कब्जे में लेकर सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी के चौबट्टा खाल माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अपने शिक्षक पर ट्यूशन में बुलाकर छेड़ने का आरोप लगाया। वहीं प्रधानाचार्य की रिपोर्ट में प्रकरण को झूठा बताया गया है, जबकि सीईओ पौड़ी डॉक्टर अन भारद्वाज ने मामले को संवेदनशील बताते हुए मामले की बीओ बौरी खाल को निष्पक्ष जांच के निर्देश दे दिए हैं और कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। तहसील बौरी खाल के एक माध्यमिक विद्यालय की पीटीए बैठक कुछ दिन पहले ही हुई थी। इस दौरान स्कूल की कुछ छात्राओं ने स्कूल के एक शिक्षक पर उन्हें अकेले ट्यूशन बुलाने और छेड़खानी करने की शिकायत की थी। छात्राओं की शिकायत पर एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बड़ा ही सेंसिटिव विषय उठाया है। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि एक स्कूल के बच्चे एक आरोप लगा रहे हैं किसी शिक्षक के ऊपर। मैं इस प्रकरण की जड़ में गया, मैंने पता किया ये राजकीय इंटर कॉलेज सुंदर नगर है बीरो खाल में, वहां की कुछ छात्राएं बोलती हुई नजर आ रही है। मैंने वहां के प्रधानाचार्य से संज्ञान लिया, उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की उन्होंने जांच की है, प्रकरण झूठा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पब्लिक के कुछ लोग बच्चों को लेके आए हैं और वो जबरदस्ती बच्चों से कहलवा रहे हैं और इसी बीच किसी गार्जियन ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गार्जियन और शिक्षक सभी बच्चों के हित में सोचें, बच्चों के बेटरमेंट के लिए, बच्चों के बहुमुखी विकास करने की दिशा में अग्रसर हों। किसी भी इस प्रकार का वीडियो राजनीति से प्रेरित कदापि न डालें, जब तक कि किसी प्रकरण की जांच न हो जाए, क्योंकि इससे न केवल शिक्षा विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचती है बच्चे, बल्कि वो बच्चे जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं उनके भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। चमोली के लखनंदा नदी के तट पर राजकीय इंटर कॉलेज अलकापुरी के एनसीसी के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता अभियान के तहत रैली निकाली और जनता को सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। एनसीसी कैडेट्स ने एक क्विंटल कूड़ा भी इकट्ठा किया है और नगर पालिका चमोली के कूड़ेदान में डाला है। लखनंदा नदी के किनारों को भी साफ किया गया है, साथ ही साथ एक खास मैसेज भी लोगों को दिया है कि किस तरह से अपने आस पास सफाई का विशेष ध्यान रखें। उत्तरकाशी में सलकू मेले का आयोजन किया गया। मेले को दूर दूर से लोग देखने आए। साथ ही इस पर्व पर लोक गायक रजनीकांत सेमवाल ने अपने लोकगीत से रासू तांदे नृत्य मंदिर प्रांगण चार चांद लगा दिए। वहीं क्षेत्र के प्रतिनिधि ने सभी ग्राम सभाओं को अपने कल्चर को यथावत रखने के लिए ग्राम सभाओं का धन्यवाद भी दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।